दोस्तों, एक ऐसा हनुमान का मंदिर जहां पर आज भी 500 सालों से दो राक्षस करते हैं हनुमान जी की पूजा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी के पास पंचकुइया इलाके में संकट मोचन महावीर बजरंग बली जी का एक मंदिर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चिंताहरण हनुमान जी का यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में वीर हनुमान जी की एक 5 फुट ऊंची प्रतिमा है। जी, महावीर हनुमान जी के कंधे पर श्री राम और लक्ष्मण जी विराजमान है और पैरों में से एक तांत्रिक देवी को कुचलते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को भक्त आटे का दिया जलाकर अपनी इच्छाओं को पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इच्छा पूर्ति के बाद भगवान को चढ़ावा अर्पित किया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में बजरंग बली जी के साथ दो राक्षसों की भी पूजा की जाती है। ये दो राक्षस हैं रावण का बहुत प्रिय अहि रावण और महि रावण। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर रामायण के लंका कांड में हनुमान जी द्वारा अहि रावण और महि रावण वध की कथा को बताता है। लोगों का मानना है कि आज भी रात के समय ये दोनों राक्षस हनुमान जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और रावण का युद्ध जब चरम सीमा पर था, तब रावण का भाई अहि रावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर माँ भवानी के सामने बलि देने के लिए पाताल लोक ले गया। माँ भवानी के सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अहि रावण ने अपनी कुल देवी के सामने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तैयारी की, तभी हनुमान जी ने कुल देवी को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और अहि रावण महि रावण को मार डाला। दोस्तों, इस प्रतिमा के साथ ही अहि रावण और महि रावण की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। रिपीट करते हैं। दोस्तों, इस प्रतिमा के साथ ही अहि रावण और महि रावण की प्रतिमाएं भी हैं। इस प्रतिमा में तांत्रिक देवी की माँ हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, प्रतिमा की दाई ओर हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज भी है। यह चढ़ावा हनुमान जी के साथ साथ उन दोनों राक्षसों के लिए भी होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।